खोराबार थाना क्षेत्र के रायगंज में एक सिर्फ रियासी आलोक पासवान ने पति पत्नी व बेटी की गला काटकर हत्या कर दिया था, जिसको गिरफ्तार करने के बाद आला कत्ल बरामद करवाते समय सिर्फ रियासी आलोक पासवान द्वारा पुलिस का हथियार छीनकर पुलिस बल पर फायरिंग करने पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लग गई। घायल अभियुक्त आलोक पासवान का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि गामा के भाई रामा निषाद निवासी रायगंज के घर पर बेटी की शादी थी, जिसका सोमवार को मटकुड़वा था। गामा अपनी पत्नी व बेटी के साथ कार्यक्रम में शामिल होने पैदल ही जा रहे थे कि रास्ते में घात लगाकर बैठे सिरफिरे आशिक ने धारदार हथियार से घर से 8 मीटर दूर तीनों का गला काटकर हत्या कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे डीआईजी जे रविंद्र गौड़, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देर रात खोराबार पुलिस ने आरोपी सिर्फ आश्रित आलोक पासवान, जिसकी पहचान आलोक पासवान पुत्र जवाहर लाल पासवान निवासी ग्राम रहमत थाना खलीलाबाद जिला संत कबीर नगर के रूप में हुई है। आलोक पासवान मृतक युवती से शादी करना चाहता था, किंतु युवती के माता पिता शादी से मना कर रहे थे। इसी बात को लेकर आलोक पासवान द्वारा युवती व उसके माँ बाप की हत्या कर दी गई। उसको देख कर खोराबार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त आलोक पासवान द्वारा बताए गए स्थान पर ले जाया गया, जहां से एक गड़ासा खून से लगा आला कत्ल बरामद हुआ। तभी अभियुक्त आलोक पासवान ने मौका देकर पुलिस वालों से पिस्टल छीनकर फायरिंग करने लगा, जिसको देखते हुए आत्मरक्षा में पुलिस बल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अभियुक्त आलोक पासवान के दाहिने पैर के नीचे घुटने में गोली मारी। घायल अभियुक्त के जीवन रक्षा को देखते हुए अभियुक्त को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन किया गया। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में खोराबार थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह, निरीक्षक पंकज कुमार सिंह, आशुतोष कुमार राय, हेड कांस्टेबल कौशल यादव, कांस्टेबल पिंटू प्रसाद, ब्रजेश यादव, आशुतोष मिश्रा, भागवत स्वरूप पाठक, मनीष सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, इसमें कल खोराबार में गांव में 3 व्यक्तियों के धारदार हथियार मार के हत्या कर दी गई थी, जिसमें कि पिता पुत्री और उनकी पत्नी थे। इसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्त ने पुलिस हिरासत से भागने का प्रयास किया, जिसमें कि पुलिस का शस्त्र लेकर ही उसने पुलिस पर फायर किया और जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त को भी गोली लगी है। फिलहाल उसका ऑपरेशन हुआ है और उसकी स्थिति अभी डॉक्टर्स के निगरानी में है। इसमें आगे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम करवाया है और गाँव में पुलिस बल तैनात है। वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया है और अभी सभी जगह शांति व्यवस्था कायम है। आगे जो भी साक्ष्य आएंगे और जो घर वालों के बयान होंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो तहरीर मिली थी, उसमें एकमात्र अभियुक्त के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया है। इसमें प्रथम दृष्टया जो पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई मौके से भी और जो अभियुक्त है उससे भी पूछताछ में पता चला, तो जो युवक है अभियुक्त का, जो युवती मृतक है, उससे कुछ प्रेम प्रसंग का मामला था, जिसको कि युवती ने मना कर दिया और इसी बात से खिन्न होकर उसने जो युवती है और उसके माता पिता हैं उन पर यह हमला कर यह हत्या की घटना कारित की। जी, इसमें अभी तक पुलिस की जानकारी में एक ही अभियुक्त का होना आया है और पूछताछ में भी उसने अपने को स्वयं को अकेला ही बताया है। फिर भी पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है और सर्विलेंस के जरिए भी जानकारी की जा रही है। यदि कोई दूसरा भी संलग्न हुआ, इसमें संलिप्त हुआ, तो उसमें आगे कार्यवाही उसके विरुद्ध की जाएगी। जी, इसमें रात्रि में अभियुक्त को पुलिस आला कत्ल बरामदगी के लिए ले गई थी, जहां पर कि इसने पुलिस का शस्त्र छीनकर फायर किया पुलिस पर। जवाबी कार्यवाही में इसे गोली लगी है और इसे अभी ऑपरेशन के लिए BRD मेडिकल कॉलेज में ले जाया जा रहा है। ऑपरेशन के पश्चात जो भी स्थिति होती है उसके बाद में इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। ऐसा अभी तक कोई पुराना आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस इसमें सभी पहलुओं की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। इसमें जो युवक है और जो मृतका युवती है, उसके बीच में कुछ प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही थी, जिसको कि युवती ने इनकार कर दिया था इस युवक को। इसी बात से नाराज़ होकर इसने ये घटना कारित की और इसके बाद इस
गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद इसने पुलिस पर भी हमला करने का प्रयास किया, जिसकी जवाबी कार्यवाही में इसको गोली से लगी और अभी ये इलाजरत है।